अस्सलाम वालेकुम, आईटेक कंसर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लाए हैं आपके लिए जीरो लेक्चर सीरीज। ये सीरीज खासकर उन लोगों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी को चलाना बिल्कुल भी नहीं जानते। आपके कुछ दोस्त होंगे जो इस वजह से परेशान हैं कि उनको ऑफिस का काम करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है। हम लाए हैं एक मुनफरद किस्म की जीरो लेक्चर सीरीज, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आज सबसे हम पहले। बात करेंगे किसी भी पीडीएफ प्रोग्राम को कैसे आप डिफॉल्ट एज अ डिफॉल्ट प्रोग्राम बनाएं। जैसे अडोब पीडीएफ है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें पीडीएफ की फाइलें आसानी से खुल जाती हैं, आसानी से प्रिंट हो जाती हैं। तो तरीकाकार वही है कि आपने सबसे पहले फाइल इंफो पर जाना है, गूगल पे जाना है, फाइल इंफो क्लिक करना है। फाइल इंफो में जाके आपने अडोब पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है, हमने नीचे लिंक दे दिया है गूगल ड्राइव का, मीडिया शेयर का, मीडिया फाइल का, तो वहाँ से भी आप जाके इजीली जिप फाइल है वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चंद फाइलें हैं, पीडीएफ की फाइलें। अब ये डिफ़ॉल्ट हुई पड़ी हैं गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में बाज़ औक़ात प्रिंटिंग का इशू आ जाता है, प्रिंटिंग सही तरह से नहीं हो सकती। तो आप ये देख सकते हैं कि डॉट पीडीएफ इसकी एक्सटेंशन है, तो जिसकी एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ होगी वो फाइलें पीडीएफ कहलाएंगी। पीडीएफ जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो ये फाइल ओपन हो गई है, लेकिन ये गूगल क्रोम में ओपन हुई है। मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ प्रिंट करने के लिए, तो ये एक बॉक्स मुझे दे रहा है। तो ये बाज़ औक़ात प्रिंटिंग सही नहीं आती इससे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है पीडीएफ की फाइलें ये मेरे अडोब पीडीएफ में ही खुलें, जो मुझे काफ़ी इजी लगता है। तो वैसे ही राइट क्लिक करना है और आपने ओपन विद के ऊपर क्लिक कर देना है और चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम के ऊपर आपने चले जाना है। तो उसमें अगर आपने पीडीएफ रीडर डाउनलोड किया होगा किसी किस्म का, तो ये सामने आ जाएगा। तो इसे आपने ऑलवेज के ऊपर चेक लगा देना है और ओके कर देना है। अब ये सारी फाइलें जो है पीडीएफ मोड में आ चुकी हैं। आप किसी भी फाइल को पीडीएफ मैं डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो ये फाइल एक अच्छे तरीके से मेरे पास खुल के आ गई है और ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। पीडीएफ के एक तो ये मेन्यूज बड़े आसान होते हैं और इसकी प्रिंटिंग जो है आपकी जो है वो प्रिंटर सेटिंग के हिसाब से आपको मेन्यूज दे देता है। जैसे आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज जाके देखते हैं तो उसका जो मेन्यू आता है वही मेन्यू पीडीएफ में प्रिंटिंग के वक्त आते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। तो ये सामने डायलॉग बॉक्स आ गया, ये सेम उसी तरह का ही डायलॉग बॉक्स होता है जो आपके प्रिंटिंग की सेटिंग के तौर पर आपके सामने आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी इजी लगा होगा। इसमें जाके आप आसानी से किसी भी फाइल को प्रिंट दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएं, इसमें साइज वगैरह सेट करके रख दें एक बार, तो ये आसानी के साथ जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये गूगल क्रोम की निस्बत मेरे ख्याल में काफ़ी इजी है इसे इस्तेमाल करना, इसकी सेटिंग करना। तो गूगल क्रोम में बाज़ औक़ात मार्जिन का इशू आ जाता है और फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि आप पीडीएफ एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर लें, पीडीएफ रीडर, चाहे वो फाइल इंफो से कर लें, किसी भी साइट से कर लें, या नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर लें और इसे इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में, तो ये अच्छे तरीके से काम करेगा इंशाल्लाह।